सुयोग की परिस्थितियां कैसे बनती हैं बताया है बाबा नीम करोरी ने, आज इसी कथा में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं, अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको हम यात्रा करवाएंगे। कहां कहां की? अरे भाई, इलाहाबाद की, आपको अयोध्या की, बनारस की। आप सोच रहे होंगे एक ही टिकट में? हाँ, आज इसी वीडियो में। तो सांध बेला है, महाराज जी चर्च लैंड में बैठे हुए हैं और शाम की चर्चाएं जब हुआ करती थी, मैंने तो आपको कई कथाओं में बताया है कि शाम की जब चर्चाएं शुरू होती थी तब बातें अलग ही होती थी। और महाराज जी का भी कभी कभी मूड ऐसा हुआ करता था कि लोगों के लिए वरदान बन जाता था। एक दिन उनको जाने क्या हुआ अपने भक्त से, अरे भाई तुम जाओ आज चार धाम की यात्रा शुरू कर दो, तुम जाओ वैष्णो देवी के दर्शन कराओ, तुम जाओ अयोध्या धाम चले जाओ, तुम बनारस चले जाओ, मतलब जगह जगह बताते जा रहे हैं, आप विंध्याचल देवी के दर्शन कराओ, ये सब बता रहे हैं भक्तों से। अचानक कहने लगे, उसी में बैठे थे कौन, डॉक्टर एल्बर्ट, जिन्हें हम लोग रामदास के नाम से जानते हैं। रामदास जी बैठे हैं और बिशंबर दयाल बैठे हैं, उनके लिए आदेश होता है, अरे रामदास और बिशंबर तू जा बनारस घूम के आ। अब बनारस में भोले बाबा के दर्शन करने हैं, आदेश हो गया उनके लिए। हुआ क्या कि रामदास को ये आदेश कुछ मन में नहीं था, वो कई दिनों से सोच रहे थे कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने जाना है। बोले महाराज जी हम तो दर्शन राम के करेंगे, हम अब बनारस जाने का मूड नहीं है। महाराज जी ने कहा नहीं, चल बिशंबर के साथ जा वहां। अब रामदास भाई महाराज जी के ऐसे भक्त रहे हैं जो अपनी भी चलाते थे, भाई के शाह हैं, रामदास हैं, तुलाराम जी हैं, ये अपनी चलाते थे कभी कभी। एक ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी। मैंने बहुत कथाओं में बताया, उनका एक भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जहां ऐसा लग रहा हो कि महाराज जी ने कहा हो और उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी हो। तो रामदास ने कहा कि साहब हम तो अयोध्या जाएंगे, महाराज जी ने फिर फाइनल ऑर्डर कर दिया कि जाओ भाई बनारस। रामदास आते हैं इलाहाबाद जंक्शन पर, जैसे ही आते हैं उनका मूड वही रहता है कि राम के दर्शन करेंगे, अयोध्या धाम जाएंगे। टिकट ले लेते हैं अयोध्या धाम की, पहुंचते हैं अपराह्न 3 बजे, गाड़ी है 3:30 बजे की, आधा घंटा है गाड़ी में, तब तक उन्हें स्टेशन पर बैठ के चाय आई पी। और 3:30 बज गए, 4:15 बज गए, गाड़ी का नामो निशान नहीं। जब 4 बजे रामदास ने सोचा कि भाई गाड़ी क्यों नहीं आई, इंक्वायरी ऑफिस होता है ना, इंक्वायरी पे जहाँ पूछते हैं वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें इंग्लिश में पूछा, उन्हें बताया कि भाई गाड़ी तो चली गई, गाड़ी आई थी अपने निर्धारित समय पर 3:30 बजे, अनाउंसमेंट भी हुआ था, और आप कहाँ रह गए? था क्या कि उस समय रामदास को हिंदी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इंग्लिश थे भैया, विदेश के रहने वाले थे। तो रामदास ने कहा अरे ये क्या हुआ, और भाई जब गाड़ी छूट जाए, आदमी टाइम से पहले बैठा रहा है, एक आध बार मेरे पास साथ हुआ तो हमें भी इसका अनुभव है। तो बड़ा गुस्सा आया रामदास जी को कि अब हम क्या करें, खैर क्या कर सकते हैं, रेलवे ट्रेन ऐसा तो है नहीं कि भैया बुला लूँ या रोक लूँ। ट्रेन चली गई है, आप पुनः जंक्शन पर खड़े हुए हैं, इलाहाबाद स्टेशन पर खड़े हुए हैं, तब तक बनारस एक्सप्रेस आ जाए। मैं आपको वो बताता हूँ उस योग कैसे बनते हैं। अब रामदास के दिमाग में आता है कि चलो अब ऐसा करें कि बनारस ही घूमें। फटाफट टिकट ली और बनारस एक्सप्रेस में बैठ गए, इलाहाबाद से बनारस पहुंच गए। अब बनारस छोटा सा तो स्टेशन है नहीं, बनारस बड़ा शहर है। अब और एक बात बता दें, चाहे देश का हो विदेश का हो, हर आदमी अपनी जेब के हिसाब से जब जिस समय जैसे पैसे होते हैं ना, वैसा ही अपना संसाधन ढूंढता है। अब
समस्या क्या, उनको रह रह के याद आती है कि अगर विश्वंभर होते साथ में तो सब समस्या उनका समझा बूझा, उनका कई बार बनारस घूमा हुआ है तो उन्हें मालूम होता है कि हम कहाँ रुकते हैं, हम कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। अब बड़ी याद आ रही है उनको, लेकिन कर क्या सकते हैं, विश्वंभर को कोई, और मोबाइल का जमाना नहीं था, घर से फोन मिलाते, हेलो हाँ विश्वंभर कहाँ हो, और विश्वंभर बता देते भैया। अब रामदास जी खैर जब बनारस पहुंच गए हैं, एक छोटे से होटल में कमरा लिया, कमरे में उन्हें कहा जाओ उस पर फर्स्ट फ्लोर पर आप जाओ, रुक जाओ जाके, ये नंबर है। अपना थैला लिए हुए उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। उस कमरे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा की आवाज आती है, कोई सुन रहा है भैया हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अब बड़ी लय में तन्मयता से गा रहा है कोई भक्त। तो देखो भाई, भक्त अगर भक्त से मिलता है और उसे जैसे ही जैसे जो लक्षण होते हैं ना, अगर मिल जाए आदमी के तो फिर आदमी बस उसी तरह मुड़ जाता है। तो उन्होंने कहा चलो कमरा बाद में खोलते, ये देखते हैं कि ये कौन हनुमान चालीसा गा रहा है। माँ देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा विश्वंभर जी गा रहे हैं, यानी विश्वंभर भी उसी होटल में रुके। अब तो देख के दोनों एकदम मुझे कहते बाछे खिल गई, दोनों गले मिल गए भाई, और बोले भाई अब तो ठीक है, एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह घूमेंगे, और अब महाराज जी का आदेश। अब देखिएगा साहब, ये मिरेकल्स ऑफ लव में रामदास जी ने लिखा है, बड़ा सटीक लिखा है कि जब संयोग होता है या ईश्वर कहता है, गुरु की वाणी आती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको आदेश को मान लेना चाहिए। आप फिर कई सप्ताह तक दोनों लोगों ने वहां प्रवास किया, बनारस बहुत अच्छी जगह है, भोले बाबा की नगरी है, वहां उन्होंने उन सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। रामदास ने खूब कोशिश कर ली कि अयोध्या चले जाए और नहीं जा पाए, बनारस गए, और जब कृपा हुई तो उस बड़े से शहर में छोटा सा उदाहरण दोनों का मिलन हो जाता है, और दोनों ही आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करते हुए महाराज जी की शरण में पुनः आते हैं और अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। मैंने आपको उनका अनुभव सुना दिया, अब चले अगली कथा के साथ मिलते हैं।